पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलकंदनम् वाग्मय ममकम् जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गाद् नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपी तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणदत्ता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेविचारणो न हि न वा कालप्रतीक्षप्रभु सद्यो यश्रवणेक्षणप्रणम्नः ध्यानादिहृद्दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सैव भगवान् गौरः परं नो गतिः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरुषक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरु मंद मते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावलि ग्रंथ महापुरुषों के निज अनुभव और अपूर्व शक्ति के द्वारा जिसमें शक्ति निपुणता और अभ्यास तीनों वस्तुएं मिलकर के कार्य कर रही हैं ऐसे काव्य शक्ति के माध्यम से जो दिव्य सिद्धांत उन दिव्य सिद्धांतों और उपासना पद्धति रस का सुंदर परिवेशन जिन कालजयी कृतियों में किया जा रहा है उनका श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा दिव्य संकलन जो साधकों को और रस सेवियों के लिए बड़ा सुंदर पाथेय बनकर के विराजमान हुआ। इसी में श्री प्रिया जी का श्याम सुंदर के प्रति जो अपूर्व प्रेम है उस प्रेम का यहां निरूपण कर रहे हैं। 187वां पद्य गृहीतम तांबूलम परिजन बचोभिर न सुमुखी स्मरत्यंत शून्या मुरहर गतायां अपि निशि तथैवास्ते हस्ता कलित फणबंदी किसलया तथैवास्यं तस्या कृमुक फल फाली परिचित। पान खाने की एक विशेष पद्धति रही कहीं अलग अलग देशों में अलग है परंतु दक्षिण में विशेष रूप से पद्धति रही कि पान में तो केवल चूना लगा दिया जाता है जरा सा और उसी चूना लगा करके उसकी बीड़ा बना लिया जाता है और उसको खा करके और फिर कत्था उसकी छोटी गोली उसको अलग से मुंह में डाल देते हैं
वो फिर कभी कभी माने वो जो सुपारी जो है उसका कोई कटका उसको भी मुंह में, या गिलोरी जो है वो पिसी हुई उस गिलोरी को भी मुख में रख लेती। इनमें सुपारी के टुकड़ों को कहीं पीस करके नहीं रख लिया जाता है, उनको कूट करके और उनको दरात में एक बार उनको जरा पीस लिया जाता है तो उसके छोटे छोटे रवा बन जाते हैं और उनको गुलाब जल में पहले भिगो दिया जाता है और गुलाब जल में भिगो करके पानी में भिगो करके और फिर उनको पीस लिया जाता है, उनका रवा हो जाता है और वो भीगी हुई गिलोरी उनको भी मुख में रख दिया जाता है। तो कई जगह तो ये है कि पान रखा, फिर उसमें पान में रख करके चूना लगाया, फिर कत्था लगाया, फिर उसमें गिलोरी रखी, फिर उसमें थोड़ी सी गिरी गोला भी रख दिया और किशमिश भी रख दी और गुलकंद भी डाल दिया और यानी क्या क्या डाल दिया और फिर उसका बड़ा सा बना करके फिर उसको खाया। और कहीं कहीं ये भी है कि पान अलग खाएंगे और कत्था और गिलोरी इन दोनों को अलग से खाएंगे, वही पद्धति है यहाँ पर कि गृहीतम जय जय जय। नितय गौर हरि गृहीतम तांबूलम। श्री श्याम सुंदर से कोई दूती कह रही है कि हमारी सखी श्री राधिका की आपके स्मरण करते समय आपके वियोग में ऐसी दशा है कि मैंने उस सखी को बीड़ा बना करके दिया था, उसने उस तांबूल को ले लिया, गृहित तांबूल तांबूल को ले लिया। परिजनो बचो भिर, पहले तो ले नहीं रही थी परंतु तो जितने भी परिजन थे प्रियजन उन्होंने अरे ले 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 ले, ले। ऐसे जिस समय कहा उस समय सखियों के आग्रह से उसने पान का बीड़ा ले तो लिया परंतु न सुमखी, परंतु वो सुमखी सुंदरी उस पान के बीड़ा को खा नहीं रही है क्योंकि स्मरणतः अंतःशून्या, वह आपका ही स्मरण कर रही है, उसका हृदय अन्य किसी भी बात से शून्य है, अंतःशून्या उसका हृदय खो गया है, वो आपके आपका ध्यान करती हुई केवल आपका ध्यान कर रही है और कोई चीज का ध्यान नहीं कर रही है। तो स्मरंती अंतःशून्या, उसका हृदय शून्य हो गया है और हाथ में उसने पान का बीड़ा ग्रहण कर रखा है। गतायाम अपि निशि, और हाथ में पकड़े पकड़े ही उस बीड़ा को उसकी पूरी की पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, ऐसी दशा हो रही है और खा नहीं रही है, हाथ में लिए हुए है और बस कुछ विचार करती रहती है, विचार करती रहती है, आपके वियोग में ध्यान करती हुई बैठी है। तथई वास्ते हस्ता, उसका हाथ वैसे के वैसे ही बीड़ा को पकड़े हुए विराजमान है, हाथ में उसी प्रकार का उसने बीड़ा ग्रहण कर रखा है। और कलित फण बल्ली किस लय, और उसने कलित फण बल्ली किस लय, माने पान के उस फण बल्ली कहते हैं पान, उसके किसले माने पत्ते को अपने हाथ में लिए बैठी है। तो हाथ में तो पत्ता का पत्ता है, और तथई वास्यम तस्या कृमुक फल फाली परिचितम, और उसका मुख भी तथई माने उसी प्रकार से आस्यम तस्या, आस्य माने मुख, उस मेरी सखी का मुख कृमुक फल माने सुपारी की कटका से, सुपारी का कटका उसने मुंह में डाला हुआ है, उससे कृमुक फल फाली उसके टुकड़े से, सुपारी के टुकड़े से उसका मुख वैसा ही परिचित है, बस
मुंह में सुपारी का एक कटका दबा हुआ है परंतु तो उसको खा नहीं रही है, उसको दबा नहीं रही, तो न तो हाथ के पान को खा रही है न मुंह में रखे हुए सुपारी के कटका को खा रही है, क्योंकि उसका हृदय आप में लगा हुआ है और आपका स्मरण करते हुए वो शून्य हृदय वाली हो रही है। प्रिया जी का अनेक अनेक जगह जहाँ पर श्री विग्रह दर्शन किए गए, श्री विग्रह जहाँ भी प्राप्त हैं वहाँ पर प्रिया जी के दाहिने हाथ में तो पान है और बाएं हाथ जो है वो नृत्य करते हुए, प्राय प्रिया जी के जितने भी स्वरूप हैं वो इस प्रकार, माने दाहिना हाथ जो है उसमें पान ठाकुर जी को रोगाते हुए और बाएं हाथ जो है वो नृत्य करते हुए, इस तरह से श्री प्रिया जी के स्वरूप का श्री गोविंद के साथ में जो श्री राधिका स्वरूप जहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ पर इसी स्वरूप का विशेष रूप से ध्यान और दर्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वो ही दशा है कि हाथ में ले रखा है पान, मुख में सखी ने ले रखी है सुपारी की एक कटका, सुपारी का एक टूक वो मुख में है, अब न हाथ के उस पान को वो खा रही है न मौड़े में रखा हुआ जो सुपारी का टूक है उसको चबा रही है और रात्रि व्यतीत हो गई आपका ध्यान करते करते, ऐसी उसकी दशा है। एक बड़ा सुंदर चित्र और स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ प्रयोग हो गया है। दोबारा सुन लें, गृहीतम तांबूलम परिजन बचोगी, परिजन माने हम सखियों के बचन के बचन से, हम सखियों के आग्रह से गृहीतम तांबूलम, उसने तांबूल पकड़ तो रखा है परंतु न सुमुखी, परंतु वो सुमुखी स्मरणतः अंतशून्य, वह आपका स्मरण करते हुए भीतर हृदय से ऐसी शून्य हो गई है कि हे मुरहर गतायाम अपि निशि, रात्रि पूरी की पूरी व्यतीत हो गई परंतु तथैव आस्ते हस्तः, उसका हाथ वैसा का वैसा ही है, हाथ में वही पान पकड़े हुए वो विराजमान है, और कलित फणि बल्ली किसलय, माने पान के पत्ते को उसने अपने हाथ में ले रखा है, और तथैव आस्यम तस्या, और वैसा ही उसका आस्यम माने मुख है, क्रमुक फल फाली परिचितम, जिसके भीतर नारियल सुपारी का जो कटका है वह मुख के ऊपर भीतर ही रखा है, उसका मुख सुपारी के कटका से परिचित होकर के ही विराजमान है, अर्थात मुख में योगी त्यों वो सुपारी का कटका मुख में रखा हुआ है, हाथ में पान है और खा नहीं रही, ऐसी वो उसकी दशा हो रही है। इसलिए हे श्याम सुंदर अब आप देर मत करो, जल्दी से श्याम प्रिया के पास में आप अभिशाप, ये कहने का दूती के वचन है श्याम सुंदर के प्रति, और वह श्याम सुंदर के सामने श्री राधिका के प्रेम की इस अनुभव दशा, जड़ता की जो दशा है उसको यहां पर प्रस्तुत कर रही है, जो जड़ता की अवस्था है स्टडनेस, उसकी जो पोजीशन है उस दशा का, जड़ता की दशा का वो वर्णन करती हुई सखी वर्णन करें। आगे श्री राधिका की विरह दशा का भी वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम पावक लीढ़ांगी राधा तब जगत पदे शय्याया स्खलिता भूमौ पुनस्ताम गंतुम अक्षमा, प्रेम की अग्नि में राधिका का श्रीअंग दग्ध हो रहा है, प्रेम पावक, पावक माने अग्नि, प्रेम रूपी अग्नि में लीढ़ांगी माने जिसका अंग दग्ध हो रहा है जल रहा है, हे राधा हे श्री हे जगतपति हे जगत के पति, वो श्री राधिका
तुम्हारे प्रेम की अग्नि में दग्ध अंग वाली होकर के शय्याया स्खलता भूमौ, शय्या से पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी है, शय्या से पृथ्वी के ऊपर वो लुढ़क पड़ी है। पुनः स्वाम गंतुम गंतुम अक्षमा, और दोबारा उस शय्या के ऊपर चढ़ने में वह समर्थ नहीं हो रही है, अत्यंत अत्यंत कृश है, और अत्यंत कृश होने के कारण वो दोबारा उस शय्या के ऊपर चढ़ने में समर्थ नहीं हो रही है। ये यथार्थ में श्री राधिका में ही ये दशा प्राप्त हो सकती है, किसी अन्य प्रेमिकाओं में ऐसी दशा प्राप्त नहीं है। यद्यपि विरह का पाप का नापजोक और कृष्णा का वर्णन करने में कवियों ने अनेक अनेक बार हद कर दी, परंतु यदि किसी दूसरी नायिका के विरह में ऐसी बात कही जाएगी तो वो झूठ कहलाएगी, वो कभी संबंध नहीं है। कि नायिका विरह में एकदम जल रही है और सखियों ने गुलाब जल की शीशी पूरी की पूरी उसके ऊपर उल्टी की, परंतु गुलाब जल की एक बूंद भी उसके शरीर से नहीं छिपी और बीच में ही गुलाब जल भाप बन करके उड़ गया। परंतु ये बात हंसी की हो जाएगी, प्रयास की हो जाएगी, क्यों ओधाई सी सी सुलक विरह अगर बिलला बीच ही सूख गुलाब गो छीटो छुई न गात। किसी दूसरी नायिका के लिए यदि बात कही जाएगी तो ये बात प्रयास हो जाएगी, पर श्री विश्वानंदिनी में रासेश्वरी में ये बात सत्य, वहां पर ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि ओंधाई सी सी सुलख विरह बरन बिलला, विरह की बरन में विरह की अग्नि में वन्नी में बिलबिलाते हुए उस सखी को देख करके उसको शीतलता प्रदान करने के लिए सखियों ने पूरी की पूरी गुलाब जल की शीशी ही उसके ऊपर उल्टी कर दी, परंतु पूरा गुलाब जल उसके शरीर तक तो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही वह भाप बनकर के उड़ गया। अब सखी है कि वो धमन भट्टी है पता नहीं लगे, ये हंसी की बात हो जाएगी। परंतु श्री राधिका में ये अत्यंत अत्यंत सत्य बात। इसी प्रकार कई बार कभी नायिका की वर्णन करते हुए नायिका की दशा का उसकी कृष्णा का वर्णन करते हुए कभी कभी कहते हैं कि वो नायिका इसलिए जीवित है कि आंखों में चश्मा लगा करके सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से देखने पर भी वह दिखाई नहीं दे रही है मृत्यु को। मृत्यु आई तो थी उसको पकड़ने के लिए, परंतु मृत्यु उसको देख नहीं पाई। दिए चश्मा चखन चाहे लखे न मीच, करी विरह ऐसी तव, विरह ने उस नायिका को ऐसा कर दिया है तब भी गैन न छाणत नीच, वो मृत्यु उसके मार्ग को नहीं छोड़ रही है। कि दिए चश्मा चखन, अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगा करके मृत्यु देखता है परंतु वो दिख नहीं रही है क्योंकि इतनी दुबली हो गई है। परंतु ये जो बात है ये कहीं दूसरी जगह तो हो जाए कि करी विरह ऐसी तव गैल न छाड़त नीचे, दिए चश्मा चखन चाहे लखे ना मीच, तो मीच माने मृत्यु उसको आंखों में चश्मा लगा करके भी नहीं देखती है। तो ये विरह में वो कितनी पतली दुबली हो गई है, इसका यदि नापजोक किया जाए तो नापजोक करने पर दूसरी नायिकाओं के विषय में ये बात कभी भी सफल नहीं हो सकती है, परंतु श्री विश्वानंदन के विषय में ये बात सत्य। यहां पर वो कह रहे हैं कि प्रेम पावक लीढ़ांगी,
प्रेम की अग्नि में उस मेरी सखी श्री राधिका का अंग ऐसा दग्ध हो गया है। राधा तब जगतपते, हे जगतपते, राधिका की ऐसी दशा हो गई है कि शय्यायाम स्खलिता भूमौ, शय्या से वह फिसल करके पृथ्वी पर आ गई, परंतु इतनी कमजोर हो गई है कि दोबारा शय्या के ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। ये अतिशयोक्ति अलंकार यहां पर वर्णन किया और ये कहा कि श्याम सुंदर आप जल्दी से चल दो। राधिका के विषय में अतिशयोक्ति नहीं है, राधिका के विषय में स्वभावोक्ति है। राधिका के विषय में ये वस्तु स्वभावोक्ति हो जाएगी, अन्य नायिकाओं के लिए यही बात अतिशयोक्ति हो जाएगी। श्री राधिका में ये बात सहज स्वाभाविक है। दोबारा प्रेम रूपी पावक माने अग्नि से लीढ़ांगी माने दग्ध अंग वाली वो राधिका, हे जगतपति, आपके प्रेम में ऐसी वो युक्त हो गई है कि शय्यायाम स्खलता भूमौ, शय्या से पृथ्वी के ऊपर वो गिरी है, परंतु पुनः ताम गंतुम अक्षमा, दोबारा शय्या के ऊपर जाने में भी वह समर्थ नहीं हो रही है, इतनी विरह व्याकुल हो रही है। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब तो तुम ही उसके एकमात्र उपाय हो, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैंने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया। ब्यारिदास जी का ये दोहा है कि मैं कर नारी ज्ञान कर राख्यो निर्धार, यह वो ही रोग निदान वह बीज वेद औषध वह, कि अभी सखी वैद्य जैसे नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करके किसी के रोग को पहचानते हैं, इसी प्रकार मैं कर नारी ज्ञान, नारी में दोनों अर्थ, उस नारी की दशा का दर्शन करके और नाड़ी का भी दर्शन करके, नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करके मैं कर नाड़ी नारी ज्ञान, तो वैद्य जैसे नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करके नाड़ी देख करके पल्स देख करके वो पहचानता है कि रोग क्या है। नाड़ी का ज्ञान एक वैद्य की सबसे बड़ी योग्यता है, जिस पर नाड़ी नहीं आता है और जो केवल लेबोरेटरी से प्राप्त होने वाली जो रिपोर्ट है उसके ऊपर ही विश्वास करे वो काय बात का वैद्य, डॉक्टर काय बात का, वो तो लॉर्ड लेबोरेटरी बता रही है एक एक चीज के लिए, यदि टेस्ट कराए तो काय बात का वैद्य डॉक्टर है। आजकल तो यही हो रहा है, किसी भी चीज के लिए जाओ 50 टेस्ट पहले कराओ, परंतु पुराने जो वैद्य थे वे वैद्य नाड़ी के ज्ञान से पहचान जाते थे कि इसको ये रोग है, उनको किसी ही टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो नाड़ी ज्ञान ये वैद्य की योग्यता है, मुख्य योग्यता है। तो मैं कर नाड़ी ज्ञान, मैंने उस नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करके अथवा नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करके, वैद्य जैसे नाड़ी के ज्ञान से सब कुछ पहचान जाता है कुशल वैद्य, ऐसे ही उस नाड़ी की दशा का दर्शन करके, उस स्त्री की विरहिणी की दशा का दर्शन करके मैंने कर राख्यो निर्धार, यह इस डायग्नोसिस को किया है, मैंने ये निर्णय किया है, निर्धारण कर लिया है कि वही रोग निदान कि इस रोग का स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं, वह वैद्य, इस रोग के वैद्य भी वही हैं और औषध वह है, औषधि भी वही है, रोग का कारण भी वही है, रोग के वैद्य भी वही हैं और रोग का औषधि भी कृष्ण ही है। इस बात को मैंने नाड़ी ज्ञान के द्वारा पहचान दिया है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि प्रेम पावक से जिसका अंग दग्ध हो रहा है, ऐसी वो श्री राधिका शैया से पृथ्वी पर गिर जाए परंतु तो फिर भी शैया के ऊपर चढ़ सकने में समर्थ नहीं हो रही है। ये स्वभावोक्ति राधिका विषय में ये स्वभावोक्ति अलंकार है। फिर हमें वास्तव में श्री प्रिया जी ऐसी प्रिया जी की दशा हो जाती है, इतनी दुर्बल हो जाती है कि वे शैया से ऊपर नीचे गिर करके पुनः शैया के ऊपर चढ़ना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। अब कह रहे हैं मुर हर साहस गरिमा कथमिव वाच्य कुरंग सावाक्ष,
खेदान पतितापी प्रेम धुरामते समुद्भारती, क्या बात है, बल है। अब प्राय जगत में ये देखने में आता है कि कोई व्यक्ति यदि कहीं डूब रहा हो पानी में तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसके पास में जो पोटली उसने सिर के ऊपर रख रखी है उसको फेंकता है, अपने वजन को कम करता है, क्योंकि जब तक वजन कम नहीं होगा तब तक फिर वो तैर नहीं पाएगा। आर्किमिडीज का एक सामान्य सिद्धांत है कि जितना आयतन है वो आयतन के बराबर कोई वस्तु अपने पानी को हटाती है तभी वो तैर पाती है। जितना भी गति का सिद्धांत है वो ए एंड डी तीन चीजों के ऊपर कहते हैं ना आधारित है। ए माने आर्किमिडीज, एन का मतलब है न्यूटन और डी का मतलब है डार्विन। इन तीन के जो सिद्धांत हैं इनके ऊपर ही जितना गति का सिद्धांत है वो सब माने क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, ये कहीं एक सिद्धांत है। पृथ्वी आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण का, ये एक सिद्धांत है न्यूटन का, और वस्तु अपने आयतन के बराबर जितना पानी हटाती है उतना पानी शून्य हो जाता है, उतना वजन शून्य हो जाता है, इसी आधार पर सारी जो वस्तुएं हैं वो तैरती हैं। तो जितना भी जल का, जल में जो नाव चलने का जो सिद्धांत है, फ्लोटिंग का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के ऊपर आधारित है। जितना भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति का सिद्धांत आकाश में जो हवाई जहाज उड़ने का एविएशन का जो सिद्धांत है वो सब का सब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ए एन और क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है कि जो भी वस्तु है वो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है। तो रॉकेट का जितना भी सिद्धांत है वो सब कहीं इसी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है कि वस्तु ये पीछे धक्का देगी तो वस्तु आगे चलेगी। तो जो रॉकेट है उसमें पीछे बड़ा छोटा सा छेद है, तो यदि गैस पीछे से निकलेगी, धुआं पीछे से निकलेगा तो रॉकेट आगे बढ़ेगा। तो ये डार्विन का जो सिद्धांत है उनके आधार पर ही सारी गति का जो सिद्धांत है वो ए एन डी पर आधारित है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अपने वजन को यदि कम किया जाएगा तो वस्तु तैर पाएगी, और यदि वजन को कम नहीं किया गया है तो वस्तु तैर नहीं पाएगी। तो होना ये चाहिए था कि जगत जो व्यक्ति डूब रहा है उससे सबसे पहले कहा जाए कि तूने अपने शरीर में जो वजन बांध रखा है उसको कम कर, वजन को फेंकना चाहिए। परंतु मेरी सखी की दशा यह है कि वो प्रेम समुद्र में डूब रही है परंतु आपके महान प्रेम के भार को वह छोड़ नहीं रही। नहीं तो डूबने वाला व्यक्ति तो सबसे पहले अपने सिर के ऊपर जो भार रख रखा है उसको फेंकता है, परंतु यहां पर उस भार को वो फेंक नहीं रही है बल्कि उस भार को उल्टा और संभाल करके रख रही है। मुरहर साहस गरिमा कथमिव वाच्या कुरंग शावाक्षा, कुरंग माने मृग के, शाव माने किसी बच्चे के समान, हरिण शावक के समान, अक्षा माने जिसके बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। हरिण के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, हरिण में भी हरिण बालक उसके नेत्र कितने सुंदर होंगे। तो कुरंग शावाक्षा, कुरंग माने मृग के, शाव माने बच्चे के समान, जिसकी सुंदर आंखें हैं उस मृगनयनी राधिका के साहस की गरिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मुरहर साहस गरिमा कथमिव वाच्य, उस सखी के साहस की महिमा का मैं कहां तक वर्णन करूं। अरे उसको तो सबसे पहले अपने ऊपर जो भार था उस भार को छोड़ना चाहिए था। डूबने वाला व्यक्ति तो सबसे पहले भार हल्का करता है, परंतु खेदार्णव पततापी, वो मेरी सखी
खेद रूपी अर्णव माने समुद्र में गिरी हुई है, फिर भी प्रेम धोराम ते सबुद बहती, आपके ते माने तेरे, हे कृष्णा आपके प्रेम धोराम, वह प्रेम के भार को, धोरा माने भार, प्रेम के धुर को, प्रेम के भार को समुद बहती वह अभी भी वहन किए हुए है। जबकि डूबने वाला व्यक्ति जो भार है उसको फेंकता है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि वह आपके प्रेम का त्याग नहीं कर रही है। यहाँ पर रूपक अलंकार का और विरोधाभास अलंकार का दोनों का प्रयोग है। रूपक का भी तो प्रेम रूपी धोरा माने भार को विरह रूपी समुद्र में, देखिए रूपक अलंकार है, विरह रूपी समुद्र में प्रेम रूपी भार को वह धारण किए हुए है, ये उसका साहस ही है। तो रूपक अलंकार का और विरोधाभास का भी कि समुद्र में डूबने वाला व्यक्ति, डूबता हुआ व्यक्ति तो सबसे पहले भार को छोड़ता है, अपने शरीर को हल्का बनाने का प्रयास करता है, परंतु यहाँ पर उल्टी बात है, वो प्रेम धुरा को नहीं छोड़ती है और डूबती हुई चली जा रही है। तो मुरहर, अरे मुर दैत्य को मारने वाले अथवा विरह को दूर करने वाले, मुरहर शब्द में एक विशेष भाव भरा हुआ है कि मुर माने विरह भाव, उस वेदना को दूर करने वाले हे श्री श्याम सुंदर, उस सखी की साहस की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। है वो कुरंगा कुरंग शावाक्षा, वो हरिण के बालक के समान उसकी आंखें हैं, कितनी सुंदर उसकी आंखें हैं, परंतु वो खेद रूपी समुद्र में गिरी हुई होने पर भी प्रेम की धुरा का त्याग नहीं कर रही है, प्रेम के भार का त्याग नहीं कर रही है और उस भार को वह ढोती हुई ही चली जा रही है। ये बड़ा सुंदर मैंने विरोधाभास का प्रयोग किया कि डूबने पर भी भार का त्याग न करना, ये विरोधाभास ऑक्सीमोरन हो गया, इस ऑक्सीमोरन को ही, और ये जो रूपक है मेटाफर, मेटाफर और ऑक्सीमोरन, इन दोनों को वो बहुत सुंदर तरह से यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। रूपक अलंकार है कि प्रेम रूपी धोरा संसार रूपी समुद्र ने खेद रूपी समुद्र रूपी समुद्र में डूबते हुए प्रेम का वह त्याग नहीं कर रही है। और कुरंग शावाक्षा, ये उपमा अलंकार का प्रयोग है कि मृग के बालक के समान उसकी सुंदर आंखें हैं, उसकी साहस महिमा का क्या वर्णन किया जाए। तो कई अलंकारों का सुंदर सम्मिश्रण, बड़ा सार्थक सम्मिश्रण यहां पर किया गया है। अब आगे कृष्ण के सामने ही श्री राधिका के कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती हुई कोई दूती कह रही है। कोई दूती श्याम सुंदर के पास में पहुंची और अपनी सखी राधिका के प्रेम का वर्णन कर रही है कि गायत गीते शंशत वंशे वादयति च सा विपंचीति पाठियत पंजर शुक पंजर शुकम तब संदेशाक्षरम राधा। हे श्याम सुंदर, आपने मुझे जो पत्रिका दी थी, जो मदन लेख प्रेम का पत्र जो आपने मुझे राधिका को देने के लिए दिया था, और मैंने जब उसको वो पत्र दिया, वो मदन लेख दिया, उस मदन लेख के अक्षर उसके हृदय में ऐसे जम गए हैं कि गायत गीते, वो उस पत्रिका को ही बार बार पढ़ती है, पत्रिका को उसने अपने हृदय से चिपका करके रखा है, और कोई गीत गाती है तो उन अक्षरों को ही उस गीत में गाती है, उस पत्रिका में जो अक्षर लिखे थे उनके ही गीत को वह गुनगुनाती है। जब भी गुनगुनाएगी तो उन तुम्हारे पत्रिका में लिखे गए, उस मदन लेख में लिखे गए उन अक्षरों को ही वह गायत गीते, अपने गायन में गीत में गाती। फिर शंशत वंशी,
उसी को कभी वंशे माने अलगोजा या वंशी लेकर के जब वो बजाती है तो वंशी में भी उन्हीं गीतों को वह संशत वंशी वंश में भी उन्हीं गीतों को वह गाती है, वंशी में भी वो ही सुंदर बंदिश जो आपने उस गीत में प्रस्तुत की थी, अपनी पत्रिका में जो प्रस्तुत की थी उसी को बंदिश बना करके वह अपनी वंशी में गायन करती है। संशत वंशी वंश में मन वंशी में वही गायन कर रही है। फिर बाधेति सा विपंचीषु और अपनी विपंची जो वीणा है उस वीणा में भी उसी को वो कहीं वाद्यति बजाती है। तो उसी को तो माने चाहे सिंगिंग हो चाहे प्लेइंग हो जो वीणा है उस वीणा के बजाने में भी वो ही स्वर वह बजाती है, मुख से भी वही गा रही है, वंशी में भी उन्हीं को वह बजा रही है और वह विपंची वीणा में भी उन्हीं ध्वनियों को उन्हीं शब्दों को वीणा में भी प्रस्तुत कर रही है। फिर पाठयति पंजन शुकम उसके पास में जो दक्ष और विचक्षण नाम के सुंदर तोता है, सुधी नाम करके श्याम सुंदर की मैना है, वो श्याम सुंदर के पास में है, श्याम सुंदर उसको राधा नाम सुनाते हैं सिखाते हैं कि अरे सुधी आ तू मेरे पास में आ, सौभाग्यवती भाव मैं तुझे सुनाता हूँ सिखाता हूँ, इस गीत को इस तरह स्तुति सुनाता हूँ, इस स्तुति को तू इस तरह से गायन कर। तो श्याम सुंदर सुधी जो मैना है उस मैना को राधिका के गुण सुनाते हैं और विचक्षण जो शुक है उस दक्ष विचक्षण ये जो दो शुक हैं इन शुकों को श्री प्रिया जी आप श्री कृष्ण गुणानुवाद का गायन सुनाते हैं। ये मध्यान्ह लीला में वर्णन किया है कि मध्यान्ह लीला में श्री प्रियालाल विश्राम कर रहे हैं और उनके जागने का समय आ गया है, उस समय श्री वृंदा देवी मध्यान्ह में श्री राधा कुंड की जो निकुंज उस निकुंज के द्वार के ऊपर शुक और विचक्षण शुक और सुधी इन तोता मैनाओं को शिक्षा देकर के विराजमान करती हैं और वो शुक और सारिका विचक्षण और सुधी ये मिथ्या कलह कहते हैं करते हैं। शुक कह रहा है कि अरे सुधी तर्र तर्र क्यों कर रही है, रहने दे रहने दे, तेरी राधिका के गुणों को सुन लिया, हमारे श्याम सुंदर के गुण ऐसे हैं। और सुधी कह रही है कि अरे शुक ज्यादा बड़बड़ करके बात मत कर, मेरी श्री राधिका के जैसे गुण हैं ऐसे गुण कहाँ होंगे। ऐसे मिथ्या कलह करते हुए झूठ मूठ का कलह करते हुए शुक और विचक्षण ये दोनों के दोनों झगड़ा करते हैं कि वो सारिका कहती है, शुक कह रहा है कि श्री श्याम सुंदर सबके मनोहारी गोपियों की चित्त का भी हरण करने वाले हैं, वे गिरधारी जगन मनोहारी होकर के विराजमान हैं, उनकी महिमा का गायन तू सुन। और वो सारिका कहती है रहने दे दे, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहिता, झूठ मूठ कलह कर रहे हैं, बोले राधिका के संग में जब है तब मनो मदन मोहन की शोभा है, अन्यथा वे स्वयं श्री राधिका से मोहित होकर के उनकी शोभा विरह में फीकी रहती है, राधिका के संग में ही उनकी शोभा अत्यंत बढ़ती है। ऐसे दोनों मिथ्या कलह कर रहे हैं मध्यान्ह लीला में। तो यहां पर भी उसी लीला का वर्णन है कि पाठयति पंजर शुकम अपने पिजड़े में जो तोता है उस तोते को श्री राधिका इसी प्रकार सिखाती है कि अरे शुक आ मैं तुझे
एक नया गीत सुनाओ, उस गीत को तू गा। और शिवप्रिया कोई गीत गाती हैं, श्याम सुंदर के गुण जिसमें पोवे हुए हैं और उन गीतों को वो शुक को शिक्षा देती हैं, और श्री राधिका का वह परम प्रिय शिष्य शुक उन गीतों को श्रवण करके उन्हीं का पुनर्निर्वचन करता है, पुनः गायन करता है। तो पाठ्यत पंजर शुकम, श्री राधिका कृष्ण के अपने पिजड़े के शुक को उस समय पढ़ाती हैं, तब संदेशाक्षरम राधा, आपकी जो संदेश के अक्षर हैं उस संदेश के अक्षरों को ही वह शुक को पढ़ाती है। श्याम सुंदर कहीं पत्रिका में श्री प्रिया जी से जो लिख रहे हैं कि हे अरे जब से उस सुंदरी के उस मधुर वचनों को मैंने सुना है तब से मैं व्याकुल हो गया हूँ, ऐसे जो वचन कहे आपके वचनों को जब से सुना है तब से यह सेवक आपकी सेवा करने के लिए और आपके वचनों को श्रवण करने के लिए यह कुरंग सदा उत्सुक होकर के विराजमान है। मेरा मन रूपी कुरंग, मन रूपी मृग उस ध्वनि को सुनने के लिए ही व्याकुल है। इन्हीं वचनों को श्री प्रिया गायक गीते पहले गुनगुनाती हुई गीत में गायन करती हैं, फिर संसत वंशे अलगोया में वंशी में उसी गीत को गाती हैं, फिर बादेत सा विपंचीशु, श्री राधिका अपनी विपंची माने वीणा, उस विपंची नामक वीणा में उसका गायन करती हैं। पाठ्यते पंजर शुकम, और पिजड़े में स्थित तोते को भी वही सुनाती हैं जिनको आपने संदेश के अक्षरों में कहा, और इस प्रकार बार बार उसका गायन करने पर भी हर बार कोई न कोई नए भाव को प्रकट करते हुए, नए जो विशेष भाव का अंश है उसको विशेष प्रस्तुत करते हुए वह उन्हीं एक ही अक्षरों को अनेक अनेक बार दोहराती हैं। भारतीय संगीत के विषय में कहीं समीक्षकों की ये विचारधारा रही कि भारतीय संगीत वह आवृत्ति पूर्वक है, उसमें रिपीटिशन बहुत है, वो पुनरुक्ति उसमें बहुत है, एक ही पंक्ति को लेंगे और एक घंटे तक गाते रहेंगे उसी पंक्ति को, ये परंतु गायन होने पर भी उसी पंक्ति का पुनः पुनः गायन होने पर भी वहाँ पर कहीं भी विरोध उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि कभी किसी एक भाव को विशेष रूप से कहीं मैनिफेस्ट किया जाएगा, उसका प्रकाशन किया जाएगा, कभी दूसरे भाव का, कभी तीसरे भाव का। तो जैसे एक सरोवर है और सरोवर में किसी ने कंकड़ डाला, कंकड़ डालने पर एक लहर उठी, परंतु वो लहर किनारे तक पहुंचे तब तक दूसरी लहर उठ जाए और पहली लहर को दबा दे या पहली लहर को आत्मसात कर ले, फिर आगे बढ़े तब तक तीसरी लहर आ जाए और वह उसी लहर को फिर आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। यही प्रवृत्ति होने के कारण जो संगीत शास्त्र है उस संगीत शास्त्र में एक ही भाव के विभिन्न पक्षों को विभिन्न स्वरों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वह कभी भी उबाऊ नहीं होता, वह कभी भी व्यापक करने वाला नहीं होता है, उबाऊ करने वाला उबाऊ वह नहीं होता है, उसमें पुनरुक्ति कहीं भी नहीं होती है। तो गायत गीते गीत जो है उनमें श्री राधिका गायन करती हैं, संशत वंशे वंश में अपने वंशी में उसी का वे पुनः प्रस्तुतिकरण करती हैं, वादयत विपंचीषु वह विपंची वीणा में उन्हीं को बजाती हैं और उसी को शुक को पढ़ाती हैं। तो चार बार पुनरुक्ति करने पर भी हर बार एक ही बात को अनेक अनेक भंगिमाओं के द्वारा
एक भाव लहरी उत्पन्न हुई है तब तक दूसरी भाव लहरी आ गई, फिर तीसरी भाव लहरी आ गई, और उन्हीं भावों को प्रकट करते हुए एक ही पंक्ति को, एक ही संदेश के अक्षर को वह अनेक अनेक प्रकार से प्रस्तुत कर रही है। यह रस की रीति है। यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का यह प्रयोग है और इसमें श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का कितना आस्वादन किया जा रहा है इसका वर्णन किया जा रहा है। अब यह राधिका के अनुराग का वर्णन किया, अब श्री राधिका के प्रति कृष्ण के अनुराग की स्थिति कैसी है? रस की चार लहरी होती है। सबसे पहले रस का उदय होता है सखी के हृदय में, प्रथम लहरी आती है सखी में। सखी श्री किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर के गुणों का गायन करती है तो श्री किशोरी जी में द्वितीय लहरी का जन्म होता है। जब दूसरी लहरी आती है तो श्री प्रिया उनका जब प्रेम कहीं प्रकट होता है, प्रिया की उस प्रीति ढोरन का दर्शन करके श्याम सुंदर में एक तीसरी लहरी उत्पन्न होती है, वो है चंचलता। और चंचलता होने पर फिर चौथी लहरी पुनः सखी में आती है। सखी में दर्शन करने की, प्रिया लाल के प्रेम का दर्शन करने की उत्कंठा, तो उत्कंठा रूपी प्रथम लहरी श्याम सुंदर में नहीं, सखी में उत्कंठा रूपी लहरी, तब श्री प्रिया में ढोरन रूपी लहरी, फिर श्याम सुंदर में चंचलता रूपी तीसरी लहरी, फिर सखी में रस के आस्वाद रूपी चौथी लहरी। और मुख्य रूप से उस रस का आस्वादन करने वाली जो है वो सखी ही होती है। सखी बिना यही रसे पुष्टि नहीं है, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद है, रस का विस्तार और आस्वादन करने वाली सखी होती है। तो यहाँ पर श्री राधिका की कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसका वर्णन किया। और भारतीय रस परंपरा की एक पद्धति भी है कि उसमें नायकागत प्रेम का वर्णन पहले किया जाता है। नायक के प्रेम का वर्णन यदि पहले हो जाए तो रसाभास हो जाएगा, उसको गलत माना गया। पहले नायिका का नायक के प्रति आत्मसमर्पण होता है, तब नायक के द्वारा फिर नायिका के प्रति निज प्रणय का निवेदन होता है। तो रस की स्थिति यह है कि पहले नायिकागत प्रेम फिर नायकगत प्रेम, यहां पर वही निरूपण कर रहे हैं। अब द्वितीय स्थिति में राधान प्रति कृष्णानुराग कथनम, श्री राधिका के प्रति कृष्ण के अनुराग का अब कथन किया जा रहा है। पहले कृष्ण के प्रति राधिका के प्रेम का वर्णन था, अब राधिका के प्रति कृष्ण के प्रेम का, यह द्वितीय लहरी, एक तरह से तृतीय लहरी। पहले सखी ने कहा, श्री राधिका के सामने कृष्ण की माधुर्य का वर्णन किया, सखी श्री राधिका में ढोरन उत्पन्न हुई श्याम सुंदर के प्रति ढोर की, और श्याम सुंदर के प्रति जिस समय झुकाव हुआ उस समय श्याम सुंदर में चंचलता आई, और चंचलता में श्याम सुंदर ने जो कुछ भी चेष्टाएं की, जो कहा उसके द्वारा फिर जो रस मिला उत्पन्न हुआ, प्रिया लाल का दोनों का जो मिलन हुआ उसका आस्वादन करने वाली सखी है। तो वही वर्णन कर रहे हैं, केन कलास कुशला नगरे मुरारे आभीर नीरज दिशह कतवान संती राधे त्वया महदकार तपो यदेशो दामोदर स्वय परम परमान राध। इसी भाव को ब्रज भाषा में बिहारी लाल जी ने, बिहारी लाल का एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध कि अनियारे दीर्घ दृगन कितीन तरुण जहान वह चितवन कछु और जेह बस होत सुजान। अनियारे माने नुकीले, नेत्र की तीन विशेषताएं हैं, रत्नारे अनियारे कजरारे, जिनमें काजर विराजमान है वे हो गए कजरारे। अनियारे का मतलब है अनि माने नुकीले, बाण के समान
हृदय को भेद भेद जाने वाले, तो कजरारे अनियारे, अनियारे माने नुकीले, और रत्नारे माने मद में जिनमें लाल डोरा पड़ रहे हैं वे है रत्नारे। लालमा भी विराजमान है, उनमें कालमा भी विराजमान है, और उनमें तीखापन भी विराजमान है। तो यहां पर कह रहे हैं ब्यारीलाल कि अनियारे दीर्घ दृगन, नुकीले दीर्घ नेत्र वाली संसार में बहुत सी सुंदरियां मिल जाएंगी। कौन सी बड़ी बात है, अनेक सुंदरियां मिल जाएंगी जिनके नेत्र भी बड़े बड़े हैं, नेत्र भी नुकीले हैं, परंतु वह चितवन कछु और है। मेरी सखी श्री राधिका, उनकी जो चितवन है वो कुछ अलग है, उसके भीतर जो भाव है वो भाव कुछ अलग है। जे बस होत सुजान, कोई रसिक जिनके वशीभूत, रसिक कौन है, श्याम सुंदर, वे श्याम सुंदर जिनके वशीभूत हो जाए। यहाँ पर उसी बात का निरूपण कर रहे हैं, बिल्कुल वही दोहा इसी श्लोक का मानो अनुवाद ब्यारीलाल ने किया है कि केल कलास कुशला नगरे मुरारे आभीर नीरज दृशह कतवान संती। हे मुरारे, केल कलास कुशला, केली कलाओं में कुशल नगरे, इस नगर में केल कला में कुशल आभीर नीरज दृशह, आज सुंदर कमल के समान दृष्टि वाली कतिवान संती, कितनी आभीर गोप सुंदरियां नहीं हैं इस नगर में। हे मुरारे, आभीर नीरज दृशह, आभीरों में कमल सरी के नेत्र वाली कतिवान संती, कितनी स्त्रियां नहीं होंगी जो केल कलाओं में परम कुशल होंगी, ऐसी कितनी स्त्रियां नहीं होंगी। परंतु राधे त्वया महत आकार तपो यदेशो, हे राधिके तेरी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, तेरी महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। त्वया महत आकार तपा, तूने निसंदेह बहुत बड़ा तप किया होगा। यदेश दामोदर त्वय परम परमान राग, कि इस दामोदर का तेरे ऊपर परम अनुराग हो गया है। इस नगर में मुरारे नगरे, मुरारी के इस नगर में केल कलाश कुशला, केली कला में कुशल नीरज दिशा कति, कितनी सुंदरी गण नसंती नहीं है। मुरारी के इस नगर में कितनी केल कलाओं में कुशल आभीर नीरज दृशह, गोपियों में कमल सरी के नेत्र वाली कितनी गोपियां संसार में नहीं होंगी, अर्थात बहुत सी इस नगर में गोपियां हैं। तो मुरारे नगरे, मुरारी के इस नगर में केल कला से कुशला, केल कला में परम कुशल आभीर माने गोप जाति की नीरज दृशह सुंदरियां कतिवान संती, कितनी नहीं हैं। परंतु राधे त्वया महत आकारी, परंतु हे राधिके तूने महत आकारी तपा, तूने कोई बहुत बड़ा तप किया है, जिस तप के कारण यदेश ये दामोदर भी त्वय परम परमानुराग, तेरे प्रति परम अनुराग करने वाला हो गया है। तेरे प्रति यह परम अनुराग करने वाला यह दामोदर हो गया है, तेरी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वही अतिशयोक्ति अलंकार, जिसका वर्णन कर सकने की सामर्थ्य नहीं है, जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वही अतिशय अनुराग है। श्री राधे तैने कोई परम परम तप किया होगा कि श्री दामोदर, दामोदर कहने का एक भाव है कि प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं और वो विभू हैं। दामोदर शब्द विभू, ऐसे बड़ी से बड़ी डोरी जिसको नहीं बांध सकी, जिसमें विभुता और परिच्छन्नता
दोनों एक काल में विराजमान हो, विरुद्ध धर्माश्रय जिसमें एक काल में विराजमान हो, विरोधी बातें, विभू भी है बड़ी से बड़ी डोरी, वो कन्हैया को बांध नहीं पा रही है, और मैया ने जो कोधनी पहना रखी है वो यूं की क्यों है, कोई कमर चोड़ गई हो और कोधनी टूट जाए तड़क करके, ऐसा भी नहीं है, कोधनी उतनी कितनी है। यशोदा बार बार कन्हैया को जब दोनों हाथ से नापती हैं तो कहती हैं मुष्टिक ग्राह कन्हैया की कमर है, एक मुट्ठी से मैं पकड़ सकती हूँ, कन्हैया की कमर मेरी पकड़ में आ रही है, परंतु इतना होने पर भी नाप करके देखती है कमर कितनी है, बोल मुष्टिक ग्राह कमर है, मुट्ठी से पकड़ी जा सकती है, परंतु इतनी बड़ी डोरी, डोरी को हाथ से नापती हैं, पूरी कुआ की लेज ले आई पानी खींचने के लिए, परंतु वो भी दो अंगुल छोटी हो रही है, ये आश्चर्य क्या हो रहा है। यशोदा आश्चर्य में पड़ गया। तो विरुद्ध धर्माश्रयता श्री कृष्ण में एक काल में विराजमान है, परिच्छन्नता भी है माने सीमित भी है और विभू भी है उसी काल में, तो ये विरुद्ध धर्माश्रय। तो दामोदर कहने का मतलब है जो व्यापक होकर के विराजमान और व्यापक होते हुए भी प्रेम के वशीभूत होकर के जो यशोदा के प्रेम में बध जाए, ऐसा वो दामोदर, उसका अरी सखी तेरे प्रति इतना अनुराग है, जो व्यापक है वो तेरे प्रति अनुराग है, तो जरूर उसको बांधने वाली, बांधने वाला तेरा प्रेम भी बड़ा अद्भुत होगा, कि विभुरप कल्याण सदा विवृद्धि गुरुरप गौरव चर्या विहीन मोह उपचित वक्रमाप शुद्धा जयति मुरद्विषी राधिका अनुराग। वंदना में कह रहे हैं कि श्री राधिका के उस अनुराग की क्या वर्णन की जाए, जो कि विभू होने पर भी सदा वृद्धि को प्राप्त हो। जो विभू है वो बढ़ेगा कैसे, वो तो अपने आप ही बढ़ा हुआ है। विरोधावास विभुरप कल्याण सदा विवृद्धि, विभू होते हुए भी सदा वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, और गुरुरप गौरव चर्या विहीन, खूब गुरु है, जगत का गुरु है श्री राधिका प्रेम, राधिका प्रेम की गुरु होकर के विराजमान, परंतु गुरुरप गौरव चर्या विहीन उसमें अभिमान नहीं। गुरु में तो ठसक होती है, विद्यार्थी को डांटता है, एक बोलोगे नहीं, धीरे बोलो, तुम्हारे बोलने से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो गुरुरप गौरवचर्या उसमें गौरव का भाव भी विराजमान है, परंतु गौरवचर्या से युक्त हो, गुरु होने पर भी उसमें गौरव की चर्या नहीं है, वह विद्यार्थी को अनुशासित नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन में नहीं रख रहा है, गुरुरप गौरवचर्या भी ना। और मोह उपचित वक्रमा भी शुद्धा, सदा वो टेढ़ा है परंतु फिर भी शुद्ध है, जो टेढ़ा है वो शुद्ध कैसे होगा, विरोधावास ऑक्सीमोरन है, विरोधावास कि टेढ़ा होने पर भी शुद्ध है। जयति मुरद्विषी राधिका अनुराग, श्री राधिका के अनुराग इस प्रकार विरोध गुणों से युक्त होकर के विराजमान है, उस राधिका के अनुराग की जय हो, जय जयति मुरद्विषी राधिका अनुराग। तो यहाँ पर श्री राधिका के ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम भी विभू है, इसीलिए तो दामोदर को भी उसने वशीभूत कर लिया। दोबारा सुनने के मुरारे नगरे, मुरारी के इस नगर में केल कलाश कुशला, केली कला में कुशल आभीर नीरज दृशा गोप जाति में, आभीर माने गोप जाति, गोप जाति में नीरज माने कमल के समान सुंदर नेत्र वाली कतिवान संति, कितनी सुंदरियां नहीं है, परंतु हे राधे त्वया महत आकार तप, जरूर तूने भी विभू तप किया होगा, व्यापक महत तप किया होगा, बहुत बड़ा तप किया होगा, तभी तो दामोदर जो कि विभू होकर के अनंत होकर के विराजमान, असीम होकर के विराजमान, और बड़ी से बड़ी डोरी जिनको नहीं बांध सकी, ऐसे उस दामोदर को तूने अपने प्रेम के अनुराग में बांध लिया। जय हो, नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्त धाम्ने त्वदीयो दरायात विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। बोले हे देव आपको प्रणाम है, नमस्ते सुदाम्ने,
श्री प्रिया के वो प्रेम की सुंदर फूल की माला, जिसको प्रिया ने अभी अपनी अपनी चोटी से खोला है और उस फूल की माला से श्याम सुंदर को बांधा और श्याम सुंदर बंध गए और उस माला को भी तोड़ नहीं सकते हैं। जब तक प्रिया नहीं खोलेंगी तब तक फूल की माला को तो यूं ही तोड़ देते, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, परंतु उस फूल की माला को वे तोड़ नहीं सकते हैं। नमस्ते सुदामा, उस डोरी को भी प्रणाम है, केवल राधिका को ही प्रणाम नहीं है, श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं है, बल्कि आज नमस्ते सुदामा उस फूल की कोमल सी माला उसको भी हमारा प्रणाम है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं उसको भी हम प्रणाम करें, नमस्ते सुदामा। जिस दाम से, जिस डोरी से, फूल की डोरी से निकुंज मंदिर में अपराधी श्याम सुंदर आज श्री प्रिया के द्वारा बांध लिए गए हैं। कभी अपराध करके श्याम सुंदर आए, संकेत दे करके भी ठीक समय पर प्रिया की निकुंज में जब श्याम सुंदर का अभिसार नहीं हुआ, प्रिया मान धारण करके व्याकुल हो रही हैं, पहले उत्का हो रही हैं, उत्कंठता हो रही हैं, उत्का होने के बाद में या विप्रलब्धा होने के बाद में, उत्का के बाद में उत्कंठित, फिर इसके बाद में विप्रलब्धा, माने जैसे ठग ली गई, फिर इसके बाद में खंडिता, माने प्यारे को संकेत दिया परंतु प्यारा नहीं आया है, खंडिता होकर के विराजमान, और उस समय श्याम सुंदर यदि आए, उत्का, विप्रलब्धा और खंडिता, इन तीनों दशाओं को भोग करके जब श्याम सुंदर श्री प्रिया को आते हुए देख रहे हैं, प्रिया की उस दशा को देखते हैं, तो प्रिया फिर माननीय होकर के विराजमान होंगी और मान धारण करके जब टेढ़े वचन कहेंगी श्याम सुंदर से, उस समय श्री श्याम सुंदर उन प्रिया के सारे वचनों को यूं की तरह सुनेंगे तो नमस्ते सुदामा। और प्रिया ने उस समय श्याम सुंदर को अपनी माला से बांध लिया, तो सुदामा सुंदर माला को भी प्रणाम है और श्याम सुंदर को भी प्रणाम। स्फुरत दीप्त धाम ने, जिनकी दीप्ति तेज सर्वत्र प्रकट हो रहा है, स्फुरत दीप्त धाम ने त्वदीयो दरायाथ, आपके उस उदर को प्रणाम है, जो विश्वस्य धाम ने, जो विश्व का धाम है और बड़ी से बड़ी डोरी जिसको नहीं बांध सकी, नमो राधिकाए, महिमा आपकी विभुता की नहीं है, महिमा है नमो राधिकाए, श्री राधिका की महिमा है, त्वदीय प्रियाए, जो आपकी प्यारी है, नमो अनंत लीलाए देवाए, आप अनंत लीला करने वाले हैं देव, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। ऐसे यहां पर श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए, श्री राधिका को प्रणाम करते हुए, राधिका के साथ ही साथ उस फूल की माला को भी प्रणाम किया जा रहा है। जैसे कोई ये कहे कि ये शुद्ध सोने का सुंदर कुंडल है, यह सुंदर कुंडल शुद्ध सोने का बना हुआ है, तो यहां पर जो प्रशंसा है, सुंदरता जो है, वह कुंडल की भी है और साथ ही साथ में सोने की भी है, पीतल का बना हुआ नहीं है, तो सुंदरता शब्द कुंडल के लिए भी आया और साथ ही साथ में वह सोने के लिए भी आएगा। तो स्वर्ण को भी ग्रहण कर लिया जाएगा, दृष्ट समुद्र पुरुष, ये व्यक्ति समुद्र देख करके आया है, समुद्र घूम करके, समुद्र यात्रा करके आया है, वहां पर व्यक्ति के साथ साथ समुद्र का भी ग्रहण है, परंतु यदि कोई ये कहे कि छत्रणं भोजय, छत्ताधारी को भोजन करा दो, तो वहां छत्ते को भोजन नहीं कराया जाएगा, व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा, परंतु दृष्ट समुद्र पुरुष, इस दृष्टांत में व्यक्ति की भी प्रशंसा है, समुद्र की भी प्रशंसा है, समुद्र का भी ग्रहण हो जाएगा, व्यक्ति का भी ग्रहण हो जाएगा, परंतु दंडनम या छत्रणम भोजय, इसमें
व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा, छत्ते को भोजन नहीं कराया जाएगा। छत्ता लेकर के वो आया है परंतु छत्ते को भोजन थोड़ी कराया जाएगा, व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा। तो जहां ये कह रहे हैं नमस्ते सुदाम ने, वहां श्री श्याम सुंदर की भी प्रशंसा हो रही है, प्रिया जी की भी प्रशंसा हो रही है, और साथ के साथ में माला की भी प्रशंसा हो रही है। जैसे ये बड़ा सुंदर, ये जो बिल्कुल 24 कैरेट का सोना है, तो सोने की भी प्रशंसा है और कुंडल की भी प्रशंसा है, दोनों की प्रशंसा होगी। ऐसे माला की भी प्रशंसा है और साथ के साथ में श्याम सुंदर की भी प्रशंसा हो रही है। तो यहां कह रहे हैं केल कला में कुशल मुरारी के इस नगर में कितनी आभीर सुंदरियां नहीं हैं, परंतु हे श्री राधे के तेरी महिमा कुछ अद्भुत है। तूने जरूर तप किया होगा जिससे तुझ में परम अनुराग है। अब श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन करते हुए ही श्री राधिका के सामने कहा जा रहा है, राधिका के प्रति श्याम सुंदर का जो प्रेम है उसका वर्णन करती हुई सखी जो श्याम सुंदर से मिलकर के आई है, वह श्री राधिका को धैर्य देती हुई कह रही है कि अरे सुंदरी, श्याम सुंदर की दशा का क्या वर्णन करूं, बत्साम न चा रहती। श्याम सुंदर न तो बछड़ों को चराते हैं, बादते न बेणू, न बेणू बजाते हैं। पहले गैयाओं के लौटने का जैसे ही समय होता था, उस समय बछड़ों के गले लगते हुए बछड़े से कह रहे हैं, बोले अरे बुद्धा, अरे लक्खी, अरे सोहना, अरे मोहना, भूख लग रही है भैया, अभी अभी चल, तेरी मैया आ गई है, मैं तुझे दूध पिलाता हूं। ऐसा कहकर के बछड़े के गले लग करके बछड़े को पुचकारते हुए, कपोल चूमते हुए बछड़े का श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, चल भैया चल, तुझे भूख लग रही होगी, चल तेरी माँ आ गई है, अभी तुझे दूध पिलाता हूं। परंतु अब श्याम सुंदर की दशा यह है, बत्सान में चा रहे थी, श्याम सुंदर बछड़ों को चराते नहीं, बादते न बेणू, श्याम सुंदर बंशी नहीं बजा रहे, आमोदते नचे यमुना बन मारुते नो, यमुना की बन की शीतल हवा चलती है, श्याम सुंदर को प्रसन्नता ही नहीं होती है, बल्कि वो वायु श्याम सुंदर के विरह को और ज्यादा बढ़ाती है, दुख देने वाली होती है। यमुना बन मारुते नो, यमुना बन के, यमुना के बन के मारुत से श्याम सुंदर आमोदते न, आमोद प्राप्त नहीं करती हैं। कुंजे मिली शिथिलम बलतोत्तमांगम, वे कुंज में बैठे हुए अपने उत्तमांग माने मस्तक, उसको बलित माने नीचे झुका करके, अपने बाम हथेली के ऊपर कपोल रख करके आप बैठे हुए हैं। बाम हथेली के ऊपर कपोल स्थापित करके वे निकुंज मंदिर में बैठे हैं। आम उदते तो कुंजे मिली, कुंज में छिप करके बैठते हैं, शिथिल होकर के बलित उत्तमांगम, जिन्होंने बलित माने झुका रखा है, उत्तमांग माने अपना सिर, अपने बाई हथेली के ऊपर कपोल रख करके सिर को झुका करके बैठे हैं। अंतस्त्वया श्वसती सुंदर नंद सुनु, अरे सुंदरी श्याम सुंदर, अंतस्त्वया तुझ में ही अपने मन को लगा करके श्वसती दीर्घ दीर्घ निश्वास ले रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और उनकी निश्वास तेज होती हुई चल रही है। इसे अरे सखी चिंता मत कर, चिंता मत कर अरे सखी, ये माननी से भी वचन है कि अरे सखी अब तो मान छोड़ दे। हमारे स्वामी जी कह रहे हैं, कवि श्री ललिता जी किशोरी जी कहती हैं कि चुनरी में जाखो लगे कीजिए सुख सैन, अरे क्यों मान धारण करके बैठ रही है, कैसा जाढ़ा पड़ रहा है, और केवल शैया से उतर करके मान धारण करके नुकुंज मंदिर में कोने में तू बैठी है, केवल चुनरी ओढ़ करके, इस हल्की सी चुनरी में
कितना चाढ़ा लग रहा होगा, अरे सामने शैया है, सौर है, सुखपूर्वक सौर ओढ़ करके प्यारे के साथ में शैया के ऊपर विराजमान हो, ये समय, ये मान धारण करने का समय नहीं है, ये शीत ऋतु का समय तो अरी सखी प्यारे का सत्कार करने का समय है, प्यारे का सत्कार कर, चुंदरी में जाड़े लगे, जाड़ो लगे कीजिए सुख सह, घड़ी घड़ी मुंह रूठवे मनात प्रहर जात, तू तो एक एक घड़ी में रूठ जाती है, परंतु मैं तो ये मुश्किल आती है मेरी, तुमको मनाने में प्रहर जात, एक एक प्रहर बीत जाता है, कोई बात है क्या, जब मेरी भी तो तकलीफ देख, तेरा तो स्वभाव है एक एक घड़ी में रूठना, और मुझे तुम्हें मनाने में प्रहर बीत व्यतीत हो जाता है, ये कौन सा स्वभाव तेने धारण कर रखा है, इसलिए अरि सखी मान त्याग कर, मान त्याग कर, देख श्याम सुंदर तेरे लिए कैसे उत्सुक हो रहे हैं, इसलिए चल प्यारे का स्वागत सत्कार करने के लिए, प्यारे का स्वागत करने के लिए जल्दी चल, जल्दी चल, और ऐसे कहकर के सखी उनको श्याम सुंदर शिवप्रिया जी को अपने हाथ से उठा करके पधरा करके मना करके कि अब तेरे ओठ के ऊपर प्रसन्नता आ गई है, हंसी आ गई है, अब मान गया, अब मान धारण करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से श्याम सुंदर से मिल जा, ऐसे मिला हुई विराजमान होती हैं, बोलो लाल लाल की जय, निताय गौर हरि को, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि को, निताय गौर हरि बोल, जय कृष्ण गोविंद, Yeah.